तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने इम्यूनो टेक्निक को डिटेल स्टडी करा था जहां पर हमने फर्स्ट लेक्चर में एलाइजा सेकेंड लेक्चर में वेस्टर्न ब्लोट और थर्ड लेक्चर में साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक को डिटेल स्टडी करा था विद डायग्राम प्रोसीजर एप्लीकेशन एंड ऑल अब आज का जो आपका लेक्चर है वो है जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट इस टॉपिक से आपको फाइव मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहां पर आपको पूछा जाता है और यू में डिफरेंस जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल लेवल पे मतलब के लेवल पे मतलब के आपको पूछा गया है तो लेक्चर को ध्यान से सुनना यहां पर में डिफरेंस पढ़ेंगे साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं वो हमारी सेल को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती सिर्फ बैक्टीरिया सेल को ही क्यों नुकसान पहुंचाती है तो लेक्चर ध्यान से सुनना इंटरेस्टिंग है प्रो में डिफरेंस है। को स्टार्ट करते हैं अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मैं किए हुए हैं और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी होती है तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया आज के इस लेक्चर में हम प्रो और यू के बीच में डिफरेंस देखेंगे प्रो केरियोटिक क्रोमोसोम यू केरियोटिक क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम क्या होता है साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन के बारे में लिंकर डीएनए के बारे में सब कुछ डिटेल स्टडी करनी है क्रोमोसोम के पार्ट्स तक हम देखने वाले हैं ठीक है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है ठीक है तो या तो वो प्रोकेरियोड तो तो की कैटेगरी में आएंगे या फिर वो यू की में आएंगे तो अगर मैं बात करूं यू की तो यू का मतलब होता है मल्टी सेलुलर मतलब कि हम लोग यू में क्या आते हैं हम लोग आते हैं और प्रोकेरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो ध्यान रखना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो या तो वो होगा प्रो या फिर वो होगा यू केरियोट यू केरियो मतलब केरियोट मतलब मल्टी सेलुलर वाले और प्रोकेरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह ठीक है चलिए तो अब आप बोलेंगे कि सर प्रो केरियोट और यू केरियोट में आप डिफरेंस कैसे करोगे किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये प्रो है और ये यू केरियोट है तो अगर डिफरेंस की बात करें तो काफी सारे डिफरेंस है प्रो और यू में पर अगर मैं बात करूं किस बेसिस पे तो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर फीचर और ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि यह है प्रोकैरियोट और यह है यूकैरियोट तो हम इन दोनों में डिफ्रेंशियट कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड ऑर्गेनल ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर फीचर ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल आपको लिखा है द जेनेटिक इन एंड आर क्रोमोसोम जो भी जेनेटिक मटीरियल है प्रो केरियोट में है यू केरियोट में है वो किस में ऑर्गेनाइज है क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज है तो हमें क्रोमोसोम को देखना होगा प्रो केरियोट के क्रोमोसोम को और यू केरियोट के क्रोमोसोम को एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं सबसे सब पहले हमने देखा था प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं यूकैरियोट्स क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स का मतलब जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया वगैरह सिंगल सेलुलर और यूकैरियोट्स का मतलब मल्टी सेलुलर फिर हमने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर फीचर ऑन द बेसिस ऑफ मेमर बाउंड ऑर्गेनल ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑर्गेनाइजेशन फिर हमने देखा था कि जो जेनेटिक मटीरियल होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोजोम में तो बात आ गई अब क्रोमोजोम की तो हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक का क्रोमोजोम से डिफरेंट के होता है तो देखो में क्या होता है? एक होता है पर अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की तो टू और मोर प्रेजेंट इन ईच सेल ध्यान रखना यहां पर सिंगल क्रोमोसोम होता है ईच सेल में यहां पर टू और मोर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच सेल ठीक है प्रोकेरियोड का जो क्रोमोसोम होता है वो शोर्टर होता है देखो प्रोकेरियोड से तो क्रोमोसोम क्रोमोजोम की कैसा होगा छोटा होगा और हमें तो हमारे में क्रोमोसोम कैसा होता है बड़ा होता है यहां पर इट कंटेन कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स क्रोमोसोम में कैसा डीएनए होता है सी 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 डीएनए कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए और अगर मैं बात करूं करू क्रोमोसोम की तो क्रोमोसोम में लीनियर डीएनए देखने को मिलता है ठीक है सर हमें यहां तक तो क्लियर हो गया कि प्रोक्यूरेटिक क्रोमोसोम में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है यूक्यरेटिक क्रोमोसोम में दो या दो से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं हर सेल में और प्रोक्यूरेटिक जो क्रोमोसोम होता है वो छोटा होता है यूक्यूरेटिक क्रोमोसोम जो होता है वो बड़ा होता है प्रोक्यूरेटिक क्रोमोसोम में आपको सी सी सीसी डीएनए देखने को मिलेगी कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए और आपको यूक्यूरेटिक क्रोमोसोम में लीनियर डीएनए देखने को मिलेगा प्रोक्यूरेटिक क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये क्रोमोसोम कुछ ही प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है ठीक है यहाँ पर लिखा है फोर्थ पॉइंट में इट कोड फॉर ए फ्यू प्रोटीन और जो यू क्रोमोसोम होता है इट कोड फॉर न्यूमरस ऑफ प्रोटीन कई तरह के प्रोटीन के लिए कोड करता है कई तरह के प्रोटीन को यह बनाता है नेक्स्ट आपको लिखा है इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ साइटोप्लाज्म जो प्रो का क्रोमोसोम होता है जैसे मान लीजिए प्रो का क्रोमोसोम है तो ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के एक कॉन्टेक्ट में होता है प्रो में आई रिपीट प्रो का क्रोमोसोम डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में होता है वहीं अगर मैं बात करूं यू केरियोट के क्रोमोजोम की तो यू केरियोट का क्रोमोजोम अंदर होता है उसके ऊपर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डायरेक्ट के कनेक्शन में नहीं होता तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक का क्रोमोसोम डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कनेक्शन में होता है यूकैरियोटिक का क्रोमोसोम डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कनेक्शन में नहीं होता क्योंकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सेपरेट रहता है ठीक है ये सारे पॉइंट्स क्लियर है यहां तक आपको फाइव पॉइंट्स चलिए अब आगे चलते हैं और डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम एज वेल एसोटिक क्रोमोजोम प्रो कैरियोटिक क्रोमोजोम का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होता आई रिपीट प्रोकेरियोटिक क्रोमोजोम का जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होता वहीं अगर मैं बात करूं यू केरियोटिक क्रोमोजोम की तो क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो स्टोन प्रोटीन के साथ अटैच होता है साथ ही साथ प्रोक्योटिक क्रोमोजोम में न्यूक्लियोसोम नहीं बनता यू क्रोमोसोम क्रोमोजोम में न्यूक्लियोसोम बनता है देखो यू क्रोमोसोम क्रोमोजोम में अपडेटेड वर्जन है हम लोग तो हमारे अंदर तो न्यूक्लियोसोम भी है हमारे अंदर डीएनए स्टोन प्रोटीन से अटैच भी है तो में बात करूँ क्रोमोसोम की तो ना तो डीएनए प्रोटीन से अटैच होता है और ना ही न्यूक्लियोसोम यहाँ पर फॉर्म होता है आगे चलते हैं प्रोक्यूरियोटिक क्रोमोजोम में एक सिंगल ओ आर आई साइट होती है ओ आर आई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन हमने वैक्टर में पढ़ा था पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू तो वहां पर पढ़ी थी ओ आर आई साइट ठीक है पर अगर मैं बात करू के तो यू के मेनी ओ आर आई होती है मेनी ओरिजिन ऑफ़ होते हैं ओ आर आई साइट ऐसी साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो यू केरियोड्स में तो काफी ऐसी साइट्स है पर प्रो में एक सिंगल साइट होती है अब देखो प्रो सेल में क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में हो सकता है मतलब जो सेल साइकिल चल रही है जो उसकी लाइफ साइकिल है वो उसकी लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में पर अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एक स्पेशल फेज होता है उसे कहते हैं एस फेज ध्यान रखना जब आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी फर्स्ट सेम में पढ़ी होगी क्लास इलेवंथ में पढ़ी होगी अभी एंटी कैंसर मेडिसिनल केमिस्ट्री फिफ्थ सेम में पढ़ी होगी तो वहां पर आपको पता है कि सेल कहां पर ग्रो करती है सेल ग्रो करती है जीवन फेज में और डीएनए का रेप्लीकेशन का है? है, तो है कि यहाँ का जो डीएनए है प्रो का जो डीएनए रेप्लीकेशन है वो किसी भी स्टेज में हो जाएगा पर यू का तो एक फिक्सड स्टेज में होगा एक फिक्सड फेज में होगा उसे कहेंगे एस फेज बात करें प्रोक्युटिक क्रोमोसोम की इट नेगेटिव चार्ज बाय मैग्नीशियम प्लस टू आयन इसके पास क्या होता है वो नलीफाइड होता है यहाँ पर तो स्टोन है यूकेटेड में तो, है histone, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है डीएनए का वो कौन नलीफाई करेगा वो नलीफाई करेगा हिस्टोन नलीफाई का मतलब खत्म कर देगा ठीक है और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है डीएनए का वो कौन नलीफाई करेगा वो करेगा एम जी प्लस टू तो ध्यान रखना प्रोकेरियोड्स में एम जी प्लस टू नलीफाई दार्ज ऑफ डीएनए चार्ज एंड हियर इन यू केलीफाइड बाय हिस्टोन प्रोटीन क्योंकि हमारे अंदर तो स्टोन प्रोटीन है यू के ठीक है अब देखो आपको यहां पर काफी सारे नाम दे रखे हैं जैसे सेंट्रोमियर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड का तो ये सारे आपको क्रोमोसोम की साइड्स दे रखी है देखो जैसे ये होती है साइड टीलोमर ठीक है ये होता है आपका सेंट्रोमर ये होती है शोर्ट आर्म ये होता है काइनेटोकोर ये होते हैं सिस्टर क्रोमेटेड दोनों एक साथ तो इस तरह से ये क्रोमोसोम की साइड्स होती है देख लो इनको अच्छे से फिर अब हम देखते हैं कि किस क्रोमोसोम में क्या होता है जैसे प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम में क्या है और यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है इन साइड्स में तो देखो जो प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर होता है और वहां पर टेलोमर एबसेंट होते हैं टेलोमर आप देख सकते हैं ये रहे यहां पर मैंने आपको बताया दिस इज टेलोमर तो ये टेलोमर जो है प्रो में नहीं देखने को मिलते ये टेलोमर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ यू केरियोर्ट्स में देखने को मिलते हैं टेलोमर इज प्रेजेंट एट देयर टिप क्रोमोसोम के टिप पर आपने देखा ना टिप पर ही होता है नीचे तो क्रोमोसोम के टिप पर होता है टेलोमर अब बात करें सेंट्रोमियर की काटोकोर की सेकेंडिकॉन्ट्रिक्शन की तो ये सब प्रोकेरियोट्स में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे ये सब एडवांस फीचर है प्रोकेरियोट्स में कहा से आएंगे प्रोकेरिटिक राइबोसोम में कहा से आएंगे और ये सब देखने को मिलेंगे आपको यू केरोटिक राइबोसोम में देखो लिखा हुआ है दे कंटेन सेंट्रोमियर काइनेटोकोर एंड क्रोमोसोमल आर्म्स तो ये सब किस में देखने को मिलेंगे सेंट्रोमियर काइनेटोकोर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोमल आर्म्स ये सब देखने को मिलेंगे आपको यू केरियोड्स में और प्रोकेर में ये कुछ भी नहीं होते साथ ही साथ प्रोकेर में टेलोमर भी नहीं होता वो भी यू केरोड्स में ही होता है ध्यान तो रखना टीम कैनेटोकोर्सोजोल आर्म्स ये सारे आपको देखने को मिलेंगे में. ये सारे किस में होते में होते में नहीं होते तो ये सारे डिफरेंस हमने देखे ठीक है क्रोमोसोम के डिफरेंस देखे हमने क्रोमोसोम एज यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के सारे डिफरेंस है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट एंड यू केइज इन टू क्रोमोजोम दट्स वाई वी यूकैरियोट्स आगे चलते हैं आगे, आगे आपको बता रखा है यू केडोट्स के बारे में और डिटेल में देखो यहां पर लिखा हुआ है इन यू केडियोट्स द मेजर पार्ट ऑफ डीएनए इज फाउंड इन द क्रोमोसोम सीधी सी बात है मेजर पार्ट ऑफ डीएनए फाउंड इन द क्रोमोसोम ए यू केडियोटिक क्रोमोजोम हैज अ सिंगल वेरी लार्ज लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मोलिक्यूल अभी हमने देखा था यूकेरियोटिक क्रोमोसोम को जब हमने देखा था तो वहां पर हमने बोला था लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल हमने बोला था कि यहां पर जो है ये देखिए आप लीनियर डीएनए होता है ठीक है ये देखिए लीनियर डीएनए यू क्रोमोसोम तो वही बातें वहां पर लिखी हुई है आप चाहो तो थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो चलिए आगे चलते हैं ये आपको पता ही है एडिप्लॉड ह्यूमन सेल जिसके पास होते हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम ठीक है अब मैं बात करूंगा प्रोटीन की द प्रोटीन दैट बाइंड टू द डीएनए अभी मैंने आपको बोला ना कि यू में क्या होता है यू में जो डीएनए होता है वो डीएनए प्रोटीन से अटैच होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन अभी मैंने आपको बोला देखो मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन ये मैंने आपको बता ही दिया था अब ऐसा कैसे एसोसिएशन होता है वो देखने वाले हम तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके बारे में दो चार बातें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेसिक नेचर का होता है किस नेचर का होता है बेसिक नेचर का अब हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का क्यों होता है क्योंकि वहां पर बेसिक अमीनो एसिड होते हैं यहाँ पर बेसिक अमीनो एसिड होते हैं आई रिपीट बेसिक अमीनो एसिड होते हैं बेसिक होते हैं तो बेसिक नेचर का ही होगा ना तो हिस्टोन आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड अब ऐसे कौन कौन से बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जैसे कि लाइसिन हो गया

ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉस्फेट ग्रुप एंड हिस्टोन इज अ पॉजिटिव चार्ज सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट इच अदर दैट्स वाई डीएनए जो है वो बाइंड होता है स्टोन प्रोटीन से क्योंकि डीएनए के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट इच अदर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन में और डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज तो इन दोनों को मिला के डीएनए और स्टोन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है ठीक है मैं आपको दिखाता हूं ये देखिए ये आपका डीएनए जो है रैप हो रहा है स्टोन प्रोटीन से ये एच वन स्टोन है ये स्टोन ऑक्टामर है, है स्टोन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ पहले तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए यहां पर जो एच वन स्टोन है ये एच वन स्टोन इस तरह से अलग रखा हुआ है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं सीलिंग प्रोटीन ये बिल्कुल अलग है ये ऑक्टामर में काउंट नहीं हो रहा ये सीलिंग प्रोटीन है ये अलग से खड़ा हुआ है इधर ठीक है ये देखो आप दिस वन ये एच हो गया आपका अब बात करते हैं हिस्टोन ओक्टामर की तो जो हिस्टोन ओक्टामर होते हैं वो आठ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं ओक्टा का मतलब होता है आठ अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से आठ प्रोटीन है तो हिस्टोन में एक होता है एच टू ए एक होता है एच टू बी एक होता है एच थ्री और एक होता है एच फोर अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था आठ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं ये तो वन टू थ्री और फोर ही हुए तो ध्यान रखना ये सारे ट्वाइस नेचर में हैं दो दो होते हैं तो दो तो एच टू ए दो एच टू बी दो एच थ्री और दो एच फोर और सारे मिला के ये हो जाते हैं टू 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 टू, टू, टू टोटल टो टो हो जाते हैं एट दैट्स वाई इट इज ऑक्टामर तो कौन कौन से स्टोन प्रोटीन होते हैं एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर और जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टोन आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड लाइक लाइसिन और आर्जिनिन एंड सेकंड थिंग

ये एज इट इज डायग्राम आपको एग्जाम कॉपी में बनाना है ताकि एग्जामिनर को देख के अच्छा लगेगा इतनी थ्योरी के बीच में एक डायग्राम ठीक है बात करते हैं न्यूक्लियोजोम की न्यूक्लियो इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमेटिन क्रोमेटिन की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कौन होती है न्यूक्लियोसोम होते हैं इस तरह से आपको न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाना है तो फिलहाल के लिए बात हुई हिस्टोन प्रोटीन की हिस्टोन ऑक्टामर की यहाँ पर सारी थ्योरी लिखी हुई है एज इट इज चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर आपको बता रखा है न्यूक्लियोसोम कनेक्टेड बाय लिंकर डीएनए जो न्यूक्लियोसोम है वो लिंकर डीएनए से किस तरह से कनेक्ट रहते हैं आपको इस डायग्राम में शो कर रखा है ये है आपके न्यूक्लियोसोम दिस इज न्यूक्लियोसोम ये है आपका हिस्टोन कोर ठीक है ये है आपका हिस्टोन कोर और ऊपर मैंने आपको दिखा दिया न्यूक्लियोसोम और अगर मैं बात करूं लिंकर डीएनए की तो आपको यहां पर दिख रहा है ये है लिंकर डीएनए और इसको मैंने बोल रखा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो यहां पर आपको एक डायग्राम में सब कुछ दिख गया है ये है न्यूक्लियोसोम यह है हिस्टोन कोर यह है लिंकर डीएनए और यह है डबल स्टैंडर्ड डीएनए ठीक है यह सारा डायग्राम एज इट इज आपको बनाना है यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि न्यूक्लियोसोम किस तरह से लिंकर डीएनए से कनेक्ट होते हैं ठीक है ठेके? फिर अगर मैं साइड व्यू देखूं साइड व्यू ऑफ ए न्यूक्लियोसोम सोम विथ इट्स हिस्टोन ऑक्टामर रेब्ड बाय टर्न ऑफ रनिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम देख रहे हैं साइड व्यू ठीक है तो आप देख सकते हैं ये आपको दिखा रखा है हिस्टोन कोर हिस्टोन कोर में आपको पता है क्या क्या आते हैं एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर इन सबका ट्वाइस ठीक है ओक्टामर का कम्पोस्ट होता है बता दिया मैंने आपको ये आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखा रखा है इसकी लेंथ वगैरह बता रखी है तो ये साइड व्यू बता देना और ये बता देना फ्रंट व्यू न्यूक्लियोसोम कनेक्टेड बाय लिंकर डीएनए जिसमें आपका पूरा काम हो जाना है दोनों डायग्राम जरूर बना के आने छोटे छोटे से अब आगे बात करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक है प्रो केरियोड्स की बात करते हैं अभी तक हमने यू केरियोड्स में देखा हमने देखा स्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम वगैरह किस तरह से कनेक्ट होते हैं सारा सब कुछ डिटेल में हमने देखा यू के उससे पहले हमने प्रोकेरियोड्सू के डिफरेंस देखा था प्रोकेरियोड्स यू केरोड्स में डिफरेंस देखने के बाद हमने यू केरियोड्स को देखा ठीक है अब हम देखने वाले हैं प्रोकेरियोड्स को तो देखो प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड काफी सिंपल पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं इंटरनल स्ट्रक्चर की और जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन की तो जो प्रोकैरियोट्स की सेल है प्रोकैरियोट्स की सेल मतलब बैक्टीरिया वगैरह की सेल तो उनमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफी सिंपल होता है एज़ कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट्स में इंटरनल स्ट्रक्चर एज़ वेल एज़ जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी सिंपल होते हैं एज कम्पेयर टू यू के अगर मैं बात करूं तो यू केरियोर्ट्स में इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं सम सेल शो आर प्लाज्मा प्लाज्मान कुछ प्रोकेरियो के पास स्पेशलाइज मेमरेन होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेमरेन इन फोल्डिंग पार्टिसिपेट इन मेटाबोलिक फंक्शन किसमें पार्टिसिपेट करती है मेटाबोलिक फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है ठीक है लास्ट पॉइंट पे लिखा है द प्रोकैरियोटिक जीनोम इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक जीनोम सीधी सी बात है प्रोकैरियोटिक जीनोम अलग होता है यूकैरियोटिक जीनोम अलग होता है और प्रोकैरियोटिक का जो जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो काफी ज्यादा सिंपल होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल आगे देखो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती है वो कहां पर देखने को मिलेगी आपको डीएनए के रेप्लीकेशन में ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन में ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लीकेशन इन सब में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती है प्रो केरियोड्स और यू केरियोड्स में चाहे बात करूं डीएनए के रेप्लीकेशन की डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन की आगे तो सभी में कॉमन सिमिलरिटीज दिखती है प्रो केरियोड्स और यू केरियोड्स में पर काफी जगह डिफरेंस भी बहुत सारे हैं जैसे हमने देखा राइबोजोम

तो डीएनए रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये काफी हद तक सिमिलर होते हैं में और राइबोसोम काफी हद तक डिफरेंट होते हैं अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको कोई बैक्टीरिया अफेक्ट कर देता है तो बैक्टीरिया क्या हुआ बैक्टीरिया हुआ प्रोकेरियोट और आप क्या हुए आप हुए यू आप हो यू बैक्टीरिया है प्रोकेरियोड तो जो भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो एंटीबायोटिक हमारे बैक्टीरिया को किल करती है ये तो आपको पता है तो एंटीबायोटिक में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ प्रोकेरियोट्स को ही किल करेगी यू को किल नहीं करती ऐसा क्यों होता है कि एंटीबायोटिक सिर्फ प्रो को किल करती है मतलब एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाने के बाद उस बैक्टीरिया को ही मारेगी हमें नहीं मारेगी ठीक है हम क्या है यू से से हमारी सेल कैसी है यू केरियोटिक सेल है हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक सिर्फ और बैक्टीरिया को मारेगी जो कि प्रो है ठीक है तो होता क्या है कि बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है बैक्टीरिया क्या है प्रो ये देखो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट और ह्यूमन है यूकैरियोट तो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है उसका राइबोसोम अलग और ह्यूमन जो यूकैरियोट है उसका अभी हमने इतना डिफरेंस देखे तो जो एंटीबायोटिक आती है ना उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो बैक्टीरिया के राइबोसोम पे अटैच हो और बैक्टीरिया का राइबोसोम वो पहचानती है ठीक है अलग होता है बिल्कुल तो वो राइबोसोम के साथ बाइंड होती है और बैक्टीरिया की सेल की प्रोटीन सिंथेसिस रोक देती है और अगर बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा लास्ट में देखो हम तो खुश हैं यू तो खुश है और प्रोकेरियोट मर गया एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग द ह्यूमन सेल विदाउट हार्मिंग द यू तो ये सारा सब कुछ हमने डिफरेंस देखा काफी अच्छे से प्रोकेरियोट्स क्या होते हैं यूकेरियोट्स क्या होते हैं इनमें किस तरह से डिफरेंस होता है ये आपको सारा बनाना है सब कुछ अगर टेन मार्क्स में आता है और फाइव मार्क्स में आता है तो ये डिफरेंस तो जरूर लिख के आने काफी ज्यादा डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर ठीक है आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यू अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक के रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर जल्दी लेक्चर बनेगा ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और टेलीग्राम से जुड़ जाना इंस्टाग्राम से जुड़ जाना टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती है पोल्स होते हैं इंस्टाग्राम पे मीम मिलती है और टेलीग्राम इंस्टाग्राम ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है नहीं तो आप तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं ऑफ बायोलॉजी सब्सक्राइब इन शेयर फॉर मोर ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता हैव है नाइस डे